फाइनली डिसाइड किया है कि मैं हाइकिंग करके जो है ऊपर देवसाई को जो है आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊं। तो ये हाइकिंग कर करके 2-3 किलोमीटर की तो मुझे बहुत सांस चढ़ गया है, तो ये मैंने सोचा चले आपको ये ग्लेशियर्स का पानी पी के दिखाऊं। तो ये मैं फर्स्ट टाइम देखिए पानी पी रहा हूँ, सेहत के लिए जो है बहुत अच्छा है। यहाँ के लोकल लोग यही ग्लेशियर का पानी इस्तेमाल करते हैं, इसमें बेसिकली काफ़ी जो है मिनरल्स और नमकियात पाई जाती है जो कि आम खुले पानी से जो है बहुत मुफीद है। तो मैंने सोचा ऊपर पता नहीं मुझे पानी मिले ना मिले, तो ये मैंने यहाँ के लोकल से पूछा है तो वो कह रहा है कि ये आप पानी जो है पी सकते हैं, इसका कोई जो है इशू नहीं है, कोई मसला नहीं होगा आपको। तो हाइकिंग करके मुझे काफ़ी जो है मैं वो थक भी गया हूँ, और मैंने कहा चले थोड़ी ब्रेक भी हो जाएगी और थोड़ा जो है मैं अपने व्यूवर्स को जो है ये ग्लेशियर का लाइव पानी पी कर दिखाऊँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, माशाल्लाह बहुत अच्छा इसका टेस्ट है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ योर होस्ट मोहम्मद इस्लाम, वेलकम टू बैक माय चैनल ग्लोबल ट्रैवलर इस्लाम। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है कि मेरी स्कर्दू की सीरीज चल रही है, तो आज 5th डे है। तो हम बेसिकली जा रहे हैं देवसाई नेशनल पार्क, जो कि यहाँ से स्कर्दू से देवसाई 40 किलोमीटर की राइड है, जो कि 2 से 2.5 घंटे में जो है आप जो है पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जो है 20 किलोमीटर ही अचीव किया है सतपारा लेक को गुज़र कर। तो ये आगे जो है रास्ते टोटली जो है बंद हैं, ग्लेशियर से जो है रोड्स फुल ब्लॉक हुए हैं। आप बैकग्राउंड में ग्लेशियर की सीनरी और व्यू देख सकते हैं। तो मैंने सोचा चले अगर देवसाई नेशनल पार्क की आपको फुटेज अपडेट्स अगर मैं नहीं दे सका, तो ऑन द वे जो ग्लेशियर्स हैं जो माशाल्लाह अपनी खूबसूरती दिखा रहे हैं रोड्स के ऊपर, तो इनकी जो है मैं अपडेट आपको देता चलूं। तो बैकग्राउंड में फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह अभी भी माउंटेंस स्नो के साथ जो है कवर हैं, कुछ जो है माउंटेंस पर से स्नो मेल्ट हो चुकी है। तो बेसिकली फ्रेंड्स रोड जो है फुली ब्लॉक है। ऑलरेडी हमने रास्ते में 2 ग्लेशियर्स जो है वो पीछे जो है मैनेजमेंट ने जो है वो मशीनों के साथ जो है रास्ता क्लियर किया है, और ये फाइनली हम यहाँ तक ही जो है अप्रोच कर सके हैं। तो मैंने सोचा चले आपको ग्लेशियर्स की सीनरी और व्यूज़ दिखाता चलूँ। तो फ्रेंड्स, ये बैकग्राउंड में अगर मैं आपको दिखाऊँ तो इस रोड के पैरेलल जो है बड़ा खूबसूरत जो है रिवर चल रहा है। तो बेसिकली ये फ्रेंड्स रिवर में जो चलता तेज़ रफ्तार से पानी जो है इन्हीं ग्लेशियर पे से मेल्ट होकर इस जो है रिवर में गिरता है, जिससे जो है इस रिवर की खूबसूरती और भी जो है दुबाला हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर देवसाई की जो है एलिवेशन की बात की जाए तो इसकी 14,000 प्लस जो है 14,000 फुट प्लस जो है इसकी हाइट ऊंचाई कंसिडर की जाती है। और देवसाई में बेसिकली मोर देन 100 टाइप्स के जो है फ्लावर्स मींस फूल जो है डिफरेंट इकसाम के जो हैं वो खिलते हैं। जैसे नैदरलैंड में एम्स्टरडैम में हुकहोफ जो है गार्डन को जो है हर साल फरवरी मार्च में जो है दुनिया भर से इंटरनेशनल ट्रैवलर उसे एक्सप्लोर करने के लिए जाते हैं। इसी तरह माशाल्लाह देवसाई नेशनल पार्क भी वर्ल्ड तो नहीं कह सकते, लेकिन यह है कि काफ़ी जो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में जो है एक खुला मैदान है जहां पर हर टाइप्स के जो है फ्लावर्स जो है वो खिलते हैं बिटवीन मई टू जून जुलाई तक।
जिन्हें विद इन पाकिस्तान जो है ट्रैवलर जो है एक्सप्लोर करने के लिए देवसाई की तरफ जो है रुख करते हैं। तो फ्रेंड्स, देवसाई बेसिकली एक अल्पाइन प्लेटू है जिसे बेसिकली जो है एक ये खुला मैदान है जो कि काफ़ी ज़्यादा हाइट पर जो है वो फैला हुआ है। इसमें बहुत सारे मुख्तलिफ रंगों के फूल जो हैं वो खिलते हैं। इसी तरह फ्रेंड्स, देवसाई की तरफ काफ़ी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है, जैसे कि काला पानी। इस वक्त जहाँ पर फ्रेंड्स मैं खड़ा हुआ हूँ, इससे नेक्स्ट जो है डेस्टिनेशन काला पानी है, जो कि मैं आपको एक्सप्लोर नहीं करवा पाया क्योंकि ड्यू टू ये ग्लेशियर्स की वजह से जो है रोड ब्लॉक हुए हैं। जैसे कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि ये जहाँ पर मैं फ्रेंड्स खड़ा हुआ हूँ, ये बेसिकली रोड है जो कि इस वक्त आई थिंक मोर देन 20 to 30 feet जो है इसके ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है। तो ये पूरे पूरे जो है ग्लेशियर्स की शक्ल में जो है बर्फ़ पड़ी हुई है, जिनको फ्रेंड्स आई थिंक उतारने के लिए काफ़ी जो है टाइम दरकार होगा। मे बी और 10 से 15 दिन में ये जो है ग्लेशियर्स को क्रेनों, बुलडोज़र और जदीद मशीनरी के ज़रिए जो है 10 से 15 दिन में ये सारे जो है स्नो को उठाया जाएगा, साइड पे किया जाएगा, रास्ता बनाया जाएगा। तो फिर जो है मैं आपको रिकमेंड और सजेस्ट करूँगा कि आप मिड ऑफ जून के बाद देवसाई नेशनल पार्क की तरफ आए, अगर आप इसके पॉइंट जो है एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने भी बेसिकली प्लान आज किया था, 5th day था। तो स्पेशली हम 32 hours का सफ़र करके लाहौर से स्कर्दू पहुँचे थे। तो हमारा तो यही ख्याल था कि यहाँ के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट देवसाई की तरफ जो है खुले होंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम इन्हें एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा चलें आपको रास्ते में जो ये रिवर है और ये ग्लेशियर्स हैं जिनकी वजह से रास्ता ब्लॉक है, तो इनकी मैं जो है आपको खूबसूरती दिखाऊं और इनके सीनरीज और व्यूज़ दिखाऊं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली देवसाई के पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा था। तो देवसाई के काफ़ी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हैं। सबसे पहले है काला पानी, उससे सबसे पहले है सतपारा लेक, जो कि अभी हम वापसी पर एक्सप्लोर करेंगे। उसका माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत ग्रीन पानी है और काफ़ी वो वसी पैमाने पर सराउंडिंग माउंटेन्स के अंदर जो है माशाल्लाह अपना हुसन दिखा रही है। उसके बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा डेस्टिनेशन था काला पानी, लेकिन ऑन द वे हम जो है ये ग्लेशियर के बीच में स्टक हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैं 1-2 kilometers की हाइकिंग करके यहाँ पर जो है ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो अनफॉर्चुनेटली मैं काला पानी, देवसाई नेशनल पार्क, शूसर लेक और ये बेसिक जो है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट थे, टूरिस्ट अट्रैक्शंस थी, ये मैं कवर नहीं कर पाया। तो इसीलिए मैंने सोचा चले आपको देवसाई नेशनल पार्क की करंट अपडेट आपको देता चलूँ। आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप देवसाई नेशनल पार्क को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या इस तरफ का रुख करना चाहते हैं तो आप मिड ऑफ जून के बाद आएँ, क्योंकि प्लान तो हम भी माशाल्लाह करके आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम नहीं इनको एक्सप्लोर कर पाए। तो बाकी वैसे हमने पॉइंट जो है जैसे कि मनटोका वाटरफॉल, हमश वाटरफॉल और सरफरंगा कोल डेजर्ट, कटपाना डेजर्ट और शंगरीला लेक, अपर कचूरा लेक, लोअर कचूरा लेक, तो ये माशाल्लाह हमने लकीली जो इसके काफ़ी जो फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन थी, पॉइंट थे, वो हमने पिछले 2 दिनों में एक्सप्लोर कर लिए हैं। लेकिन ये देवसाई वाली साइड अनफॉर्चुनेटली हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। तो इंशाल्लाह होपफुली जब भी कभी नेक्स्ट ईयर प्लान बनेगा तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर अपने इन पॉइंट्स की भी जो है इन पॉइंट्स को भी ज़रूर इंशाल्लाह एक्सप्लोर करूँगा और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, ये बैकग्राउंड में देखें माशाल्लाह, ये ग्लेशियर्स का पानी जो है मेल्ट होकर इस जो है रिवर में जाकर गिरता है। तो ये ऑल द वे स्कर्दू से यहाँ तक आते हुए ये रिवर हमने चलते देखा हुआ देखते आए हैं। तो ये बेसिकली फ्रेंड्स ये सारे माशाल्लाह ग्लेशियर्स हैं,
और ये बैकग्राउंड में जो खूबसूरत माउंटेन्स हैं इनके ऊपर भी जो है बड़े बड़े हाइट पर ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, और ये आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर वेदर की बात करें तो वेदर आपको पता है कि सर्दो का अनप्रडिक्टेबल है। जब भी आप आए हुडी जंपर जैकेट्स और जॉगर वगैरह और ये पावर बैंक ग्लासेस मफरल और ये हैट वगैरह इस तरह की जो है लाजमी चीज़ें कैरी किया करें। तो माशाल्लाह वेदर अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत वेदर है। मैं एक्सपेक्ट नहीं था कर रहा कि इस तरह का हमें जो है वो वेदर देखने को मिलेगा। माशाल्लाह सनी वेदर है, चिली है, विंडी है और लिटिल बिट जो है वो क्लाउडी भी है। ये बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं। तो माशाल्लाह ये है कि स्कर्दू के जो किसी भी पॉइंट पर आप जाएं आपको जो है इसी तरह के चारों वेदर इकट्ठे जो है वो देखने को मिलेंगे। तो माशाल्लाह आप जब भी यहाँ पर आए आपको जो है आप इंशाल्लाह अच्छा एक्सपीरियंस करेंगे। काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है देखने को सीखने को आपको मिलेंगी और नए नए दोस्तों के साथ आपको जो है वो कंपनी के लिए जो है वो मौका मिलेगा। और ये फ्रेंड्स देखें नीचे मशीन खड़ी हुई है, अगर आपको कैमरे की आँख मेरी दिखाए तो। मशीन के साथ इन्होंने दो रोड जो है वो पीछे ओपन कर दिए हैं, लेकिन ये जो जहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ इसको आई थिंक 10 से 15 दिन इन्हें लगेंगे क्लियर करने में। और मज़ीद जैसे जैसे जो है आगे देवसाई तक जो है इसी तरह काफ़ी पॉइंट्स पर जो है ग्लेशियर बने हुए हैं जिन्होंने रोड बिल्कुल ब्लॉक किया हुआ है। तो फ्रेंड्स आप जो है मिड ऑफ जून के बाद ही प्लान कीजिएगा स्कर्दू वगैरह की तरफ, ताकि आपको सारे जितने भी फेमस पॉइंट हैं आप सारे एक्सप्लोर कर सके और आपका जो ट्रिप है वो वर्थफुल जो है वो यहाँ का साबित हो। अदरवाइज़ फ्रेंड्स अगर आप बगैर प्लानिंग के बगैर इंफॉर्मेशन के आएंगे तो ओबियसली आप अगर प्राइवेटली आएँ या किसी टूर कंपनी के साथ आएँ तो ये ट्रिप आपको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आपको सारे पॉइंट एक्सप्लोर करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो आपका आई थिंक ट्रिप काफ़ी जो है वो वर्थफुल साबित होता है और आप अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ से करके जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये बैकग्राउंड में देखें काफ़ी जो है स्लिपरी है, मेरा अभी पाँव स्लिप हुआ है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब भी आप इन रोड्स पर ग्लेशियर्स पर हाइकिंग करें तो बड़ा देख के जो टाइट जो बर्फ़ होती है उसके ऊपर जो है वो हाइकिंग करें, क्योंकि अगर आप नरम बर्फ़ के ऊपर हाइकिंग करेंगे तो इधर इतनी इतनी ज़्यादा हाइट पर बर्फ़ होती है कि आप इसके अगर अंदर चले जाएं तो वापस आने का कोई रास्ता नहीं होता। तो ये पीछे फ्रेंड्स और आ रहे हैं वीडियो और फ़ोटोशूट वगैरह के लिए। तो मेरी सजेशन और रिकमेंडेशन यही है, जब भी आप ग्लेशियर्स पर चलें तो बड़ी एहतियात के साथ जो है हाइकिंग करनी पड़ती है। अभी भी आई थिंक मोर देन 20 फीट हाइट पर जो है 20 फीट आई थिंक जो है ये बर्फ़ जो है गिरी हुई है, तो इसे काफ़ी टाइम लग जाएगा जो है मिनिमम 15 से 20 दिन तो इसे लगेंगे ही लगेंगे क्लियर होने में। तो फ्रेंड्स ये थी ऑन द वे देवसाई के रोड्स की ग्लेशियर्स की अपडेट। तो अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह निगहबान।